नमस्कार बंधुगण, आज पंचायत राज एडब्ल्यू सिविल रो आपण मानक डे 47 आज आम देखा आपणकर टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज। तो चलतु आज आपण क्वेश्चन सीरीज आरंभ करवा। जो मैंने मो चैनल प्रथम थर आने मो चैनल जॉब का नशा को सब्सक्राइब कर दिंतु। सब्सक्राइब करने द्वारा मो वीडियो डेली नोटिफिकेशन मिल पार एवं मु डेली वीडियो अपलोड करले सने जानिपारे एवं मो वीडियो देखिपारे और ज्ञान आहरण करिपारे। एवं जिते अधिक पार्टी मो चैनल को शेयर करूँ तो अधिक अधिक लोक पाक पहुँची पार और समस्ते वीडियोर मजा नहीं पारे। तो चलतु क्वेश्चन नंबर 1 देखा आपणकर आज क्वेश्चन नंबर 1 हूँ आपणकर इंजीनियरिंग मेकानिक्स रु पीरियडिक टाइम फॉर कंपाउंड पेंडुलम एंड मिनिमम पीरियडिक टाइम फ्रॉम कंपाउंड पेंडुलम के देखा। तो पीरियडिक टाइम फॉर कंपाउंड पेंडुलम टीपी इक्वल टू 2π रूट ओवर के जी होल स्क्वायर प्लस 0 होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी इंटू एच। से आपर मिनिमम पीरियडिक टाइम फॉर कंपाउंड पेंडुलम हूँ टीपी मिनिमम इक्वल टू 2π रूट ओवर 2 इंटू के जी डिवाइड बाय जी। से आपर 2 नंबर क्वेश्चन हूँ स्ट्रक्चरल एनालिसिस रु चेक स्टेबिलिटी। तो ये गोटे आपर फ्रेम स्ट्रक्चर अच्छी आसतु देखिए यार स्टेबिलिटी चेक करवा। तो आम प्रथम यार डीएसआई डीएसआई आउ डीएस कैलकुलेशन करवा। तो डीएस डी मैंने एक्सटर्नल डिटरमिनेशन आप फॉर्मूला आर माइनस 3 करवा। तो रिएक्शन आम गोटे हिंज आ गोटे रोलर अच्छी तो रिएक्शन फोर्स इक्वल टू 3 तो 3 माइनस 3 इक्वल टू 0 से भाई डीएसआई आम करवा। तो मुझे क्लोज लुप नहीं कैलकुलेशन कर तो किसी आपर लुप ना तो से आप लुप 0 है एडिशनल कंडीशन इक्विलिब्रियम किसी ना तो आपर डीएसआई है 0 तो आपको टोटल स्टार्टिंग वोल्टेज वैल्यू 0 आसो। किंतु ये स्ट्रक्चर आम इंडिटरमिनेटली डीएस वैल्यू सीना 0 होगा किंतु आपणकर देखते कनकरेन्ट फोर्स एड करुच्छी। तो आम कंडीशन अच्छी जब आम कौटी कनकरेन्ट एक्सएल फोर्स एड करा तो स्ट्रक्चर आम स्टेबिलिटी फॉर्मेशन कर पारे तो तेणु यह आम एक्सटर्नली अनस्टेबल कंडीशन अच्छी इंटरनाली स्टेबल अच्छी किंतु एक्सटर्नली केस्रे अनस्टेबल स्ट्रक्चर। से आपर नेक्स्ट क्वेश्चन हो नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ आप स्ट्रेथोमेट्रियल डिस्क्राइब व्हेन ए कॉलम इन कंप्रेशन रेक्टांगुलर आउ सर्कुलर पर। तो आसतु देखा केत रेक्टांगुलर स्क्वायर कॉलम को कंप्रेशन रे अच्छी बोली कही पार जदि आपणकर इसेंट्रिसिटी लेस देन इक्वल टू बी बाय 6 रे रहइबो ताहले आमर कही पार जे आमर कॉलम टी कंप्रेशन फोर्स ओनली स्ट्रेस रे अच्छी। से भाला नेक्स्ट हूँ आपन जदि रेक्टांगुलर क्रॉस सेक्शन और स्क्वायर क्रॉस सेक्शन जदि आपणकर लोड पासेस करुच्ची 1/3 ऑफ मिडिल पोर्शन ऑफ द सेक्शन ताहले आमे कहिबा कि स्ट्रक्चर आमर ओनली कंप्रेशन रे अछि। तो यहाँ को आमे 1/3 रूल मध्ये कहि थाउ जेते आमे सॉलिड सर्कुलर क्रॉस सेक्शन नेबा सॉलिड सर्कुलर सेक्शन जते लोड पास करिवो आपणकर 1/4 ऑफ द पोर्शन देन देयर इज ओनली ए कंप्रेशन। जदि आपणकर सर्कुलर ले लोड 1/4 पोर्शन रे पास करुच्ची ताकु आमे कंप्रेशन ओनली कहि थाउ तो यह को आम 1/4 रूल मध्ये कही था। से भाई आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ स्टील स्ट्रक्चर प्लेट गार्डर कौन आसतु देखा। तो प्लेट गार्डर हूँ आपंकर जो भी आप डेप्थ ऑफ प्लेट गार्डर इज मोर तो मैंने आपंकर डेप्थ बेसी रोज और थिकनेस ऑफ द वेव आपंकर मिनिमम रोज और कौन हुए ना वेव बकलिंग फेनोमेना देखाई जाए या मध्य मूविंग ट्रांसपोर्ट लोड एड करे तो आम प्लेट गार्डर हिसाब से दर्शाई था। से भाई आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ कंक्रीट स्ट्रक्चर रु तो स्ट्रेस कनसेप्ट मेथड रे आम कौन कर आसतु देखा। तो स्ट्रेस मेथड कनसेप्ट आम देखूँ बीम जो आम डायरेक्ट कनसेट्रिक लोड एप्लाय करुच्चर कौन कौन स्ट्रेस आम आसतु देखा। प्री स्ट्रेसिंग फोर्स एप्लायड बाय टेंडन डायरेक्ट कंप्रेसन तो डायरेक्ट कंप्रेसन करवा द्वारा गोटे आम स्ट्रेस आसो पी बाय ए। से भाई जिते आम ड्यू टू डेड लोड एंड एक्सटर्नल लोड अप्लाय करवा से जो बेंडिंग आसो से जो फॉर्मूला हो प्लस माइनस एम बाय जेड तो आम टोटल केते एड कर आपंकर कहतु ना फाइनाल स्ट्रेस। तो फाइनाल स्ट्रेस आपंकर एक्सट्रीमेड रे पॉजिटिव साइड एड कर पी बाय ए प्लस एम बाय जेड एवं आपंकर बॉटम एज रे एड कर पी ए माइनस एम बाय जेड यही आपंकर केस वन स्ट्रेस कनसेप्ट मेथड रे होइथाय। आमे नेक्स्ट वीडियो रे यार केस टू कंडीशन देखिबा। नेक्स्ट क्वेश्चन होची आपनकर जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग रु जियोटेक्निकल क्वेश्चन होची आपनकर क्विक सैंड कंडीशन कौन। तो दिस फेनोमेना इन व्हिच सोइल
पार्टिकल्स लिव सोइल मास एंड फ्लो विथ वाटर इन अपर डायरेक्शन। तो जितेबाला कहना आम सोइल पार्टिकल गुड़ा सोइल अलग हो जाती है पानी फ्लो सहित अपवर्ड मुवमेंट करो आम बल्किंग अफ सेंड क्विकिंग सोड पाइपिंग और फ्लोटिंग कंडीशन कही था से कौन होता है आपको इफेक्टिव स्ट्रेसटा जीरो हो जाए। से आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हो फ्लुइड मेकानिक्स रु मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कौन आसतु देखा तो यहाँ आपंकर इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मोमेंट पर सेकेंड बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी टू द मोमेंट पर सेकेंड बेस्ड ऑन द एवरेज वेलोसिटी। तो एक्चुअल वेलोसिटी आउ एवरेज वेलोसिटी को कंसीडर करके आम जो फैक्टर गोटे कैलकुलेशन करें मोमेंटम करेक्शन फैक्टर कही था। तो यार जो फॉर्मूला रही है आपंकर वन बाय ए बी स्क्वायर इंटीग्रेशन ओवर यू स्क्वायर डीए भी हूँ आपंकर एवरेज वेलोसिटी यू हूँ लोकल वेलोसिटी एट सम स्पेसिफिक डिस्टेंस। तो आम जो लेमिनार फ्लो आउ टर्बुलेंट फ्लो पर बीटा वैल्यू नहीं था आसन्न देखा तो लेमिनार फ्लो पर बीटा वैल्यू नहीं था 1.33 और टर्बुलेंट फ्लो पर मोमेंटम करेक्शन फैक्टर नहीं था 1.2। से भाला नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ इरीगेशन रु व्हाट इज ए पर्पज ऑफ लाइनिंग। तो आम लाइनिंग इरीगेशन कौन पर करूँ आसतु देखा तो केस वन हूँ रिड्यूसेस द सीपेज लॉस तो सीपेज नापे यहाँ प्रोवाइड करूँ। सेकेंड हूँ इट प्रिभेन्ट्स व्वाटर फ्रम रिचिंग व्वाटर टेबुल दिस प्रिभेटिंग व्वाटर लगिंग। तो आपंकर व्वाटर टेबुल रु एक्सेस उपरकू पा न पड़ जाए से हेल्प करें जहाँ आपको व्वाटर लगिंग रु सेव करें इट इनक्रीजेस द कमांडेड एरिया। तो यह कौन करें आपंकर इरीगेशन रो एरिया थाए बढ़ाई थाए से नेक्स्ट हूँ आपंकर इट इनक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ द सेक्शन। तो यह लाइनिंग करने द्वारा आम जो पानी सप्लाई हो केनाल से स्ट्रक्चर को ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें। नेक्स्ट हूँ आपंकर रिड्यूस द मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटरी। लाइनिंग करने द्वारा कौन हुए ना पानी सप्लाई हेले खराब हुए नी तो यह लॉन्ग पीरियड पर काम करें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करें स्ट्रक्चर को यही सबू आम लाइनिंग करेक्स्ट क्वेश्चन होक्स्ट क्वेश्चन हूँ आप ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रु टाइम हेडवे कौन आसतु देखा तो इट इज द टाइम इंटरवल बिटवीन पासेस ऑफ टू कंजुगेट व्हीकल मूविंग इन सेम डायरेक्शन। तो आपंकर जो सेम डायरेक्शन जो व्हीकल मूव करते जो टाइम इंटरवल है टाइम हेडवे कही था तो यार यूनिट आपंकर सेकेंड पर व्हीकल यार जो फॉर्मूला अच्छी आपंकर व्हीकल पर आवर के टाइम मैंने केहकल पर आवर ट्रैवलिंग कर सहित जो कंपेयर करवा तार फॉर्मूला होती है क्यू इक्वल टू 3600 डिवाइडेड बाय टीएच। से भाई आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ सर्भे रु आम जो यूज ऑफ फोटोग्रामेट्री कौन कौन पर तो आसतु देखा तो फोटोग्रामेट्री सर्भे आम गोटे टोपोग्राफिकल आउ इंजीनियरिंग सर्भे करने सेकेंड हूँ आपंकर जियोलॉजिकल मैपिंग जमी रॉक रॉक स्ट्रक्चर एवं क्रॉक कैर्मी फॉर्मेशन है से सब देखे हेल्प करेंगे। नेक्स्ट हूँ आपंकर प्रोजेक्ट ऑफ हायर एक्यूरेसी हायर एक्यूरेसी प्रोवाइड करने फोटोग्रामेट्री यूज करमको एक्यूरेट मेजरमेंट दे था। नेक्स्ट हूँ आपंकर अर्बन एंड रीजनाल प्लानिंग अर्बन आउ रीजनाल प्लानिंग करम फोटोग्रामेटिक सर्वे हेल्प करें। यह व्यतीत आम प्लानिंग आउ डिजाइन जमी ब्रिज पाइपलाइन हाइड्रो पावर यह सब डिजाइन में आम यूज कर फोटोग्रामेट्री सर्वे को आशा करुच्ची आज 10 क्वेश्चन सीरीज पंचायतराज एडब्ल्यू सिविल आपको भल लगी भल लगे मो चैनल जॉब का नशा को सब्सक्राइब करूँ एवं यही वीडियो को एत अधिक अधिक शेयर करूँ तो अधिक लोक पहुँची पार और से वीडियो देखिपारे और तार मजा नहीं पारे और समस्ते वीडियो को पूरा प्ले करूँ तो वीडियो पूरा ज्ञान मिल पार और जो मैंने भी मो चैनल प्रथम थर आने मो चैनल को जॉब का नशा को सब्सक्राइब कर दिंतु एवं तांको बंधु सांग फैमिली मेंबर सहित समस्त को शेयर करूँ तो समस्त को वीडियो मिल पार एवं समस्ते लाइक करूँ। धन्यवाद। जय हिंद।